Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. आप में से काफी लोग मुझे request कर रहे थे कि मैं यहाँ का जो curriculum है उसकी books आपके साथ share करूँ. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यहीं पे आ रहे हैं तो आपके लिए useful होगी. आप कहीं भी हैं तब भी इस book में से आपको काफी ज़्यादा ideas मिल जाएंगे. This is 3-in-1 book. इसमें math और English के जो हैं वो worksheets दी गई हैं, like math, reading and writing. तो आज के video में मैं आपके साथ सिर्फ math का जो content है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा ये शेयर करूँगी एक वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो आज के वीडियो में मैं जस्ट आपको मैथ का कंटेंट शेयर कर दूँगी कि किंडरगार्टन में या फिर यूकेजी क्लास में मैथ सब्जेक्ट में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है या फिर बच्चों को क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे को यूकेजी में या फिर किंडरगार्टन में मैथ सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, प्री किंडरगार्टन और किंडरगार्टन की बुक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. इसमें कोई 50% के अराउंड जो कंटेंट है वो सेम ही है. बट ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी. अगर मुझे पहले पता होती तो मैंने प्री किंडरगार्टन की जो बुक थी वो मंगवानी ही नहीं थी. मैंने प्री किंडरगार्टन की एक्चुअली पहले मंगवाई थी, उसके बाद मैं ये वाली मंगवाई. बट 50% जो इनका कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है. सबसे पहले जो कुछ वर्कशीट्स हैं वो सिंपल जो है वो नंबर ट्रेसिंग की है. तो ये नंबर्स जो हैं फ्रॉम नंबर 1 to 10 तक जो है वो ट्रेसिंग के लिए दिया गया है. और उसके बाद नंबर सेंस की कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, लाइक काउंट एंड सर्कल द राइट आंसर. या फिर यहाँ पे एक सीन बनाया गया है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे बच्चे को देख के काउंट करना है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे. लाइक यहाँ पे फ्रॉग है तो कितने फ्रॉग हैं, 3 frogs हैं. देन ट्री है तो कितने ट्री हैं. तो आफ्टर दिस वी हैव फ्यू नंबर कंपेयरिंग वर्कशीट्स जिसमें कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं. बच्चे को ऑब्जेक्ट्स जो है वो काउंट करने हैं, फिर उन्हें सर्कल करना है जिस ग्रुप में भी ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे. दैट कुछ बिफोर और आफ्टर नंबर की वर्कशीट्स इंक्लूड करवाई गई हैं. कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो बैकवर्ड काउंटिंग की हैं. तो ये कनेडियन जो करेंसी है उसके बारे में बताया गया है. तो उसके बाद यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक सी वर्कशीट्स दी गई हैं कि जैसे अगर बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है तो उसे स्टार्ट करवाने से पहले आप ऐसी वाली वर्कशीट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. आफ्टर दैट अभी काउंटिंग जो है 11 से 20 तक की काउंटिंग की राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है. काउंट दी ऑब्जेक्ट्स की कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, बच्चे को काउंट करना है और जो भी राइट आंसर होगा उसे सर्कल करना है. अभी नेक्स्ट इसमें जो है वो मेजरमेंट्स की कुछ वर्कशीट्स इंक्लूड की गई हैं. ड्रॉ व्हाट्स मिसिंग का मतलब है कि जैसे इसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो बच्चे को बिगेस्ट फिश जो है यहाँ ड्रॉ करनी है, सबसे बड़ा ट्री होगा वो ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे ब्लॉक से मेजर करना बताया गया है, लाइक ब्लॉक्स बने हैं. तो बेसिकली ये जो है वो मेजरमेंट की वर्कशीट्स हैं. लाइक बच्चे को थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि देख के उसे पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ बड़ी है या छोटी है या फिर किस सीक्वेंस में बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, उसका सीक्वेंस बच्चे को पता चलना चाहिए. हाँ, यहाँ पे हैवियर और लाइटर की कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं. तो यहाँ पे कुछ वर्कशीट कैपेसिटी की दी गई हैं, लाइक जैसे यहाँ पे अलग अलग साइज के ग्लास बनाए गए हैं तो बच्चे को देख के पता होना चाहिए कि किस ग्लास में ज्यादा वाटर जो है या ज्यादा लिक्विड जो है वो आएगा. 2D जो शेप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं. शेप्स के लिए सॉर्टिंग की वर्कशीट्स दी गई हैं. देन काउंटिंग की वर्कशीट्स दी गई हैं. उसके बाद बच्चे को शेप्स ड्रॉ करनी है यहाँ पे. और उसके बाद पहले 2D शेप्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसके बाद यहाँ पे 3D शेप्स के बारे में भी बताया गया है. फिर उसके बाद कुछ फॉलो द पैटर्न्स की वर्कशीट्स हैं, लाइक यहाँ पे पैटर्न दिया गया है तो बच्चे को चूज करना है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट. देन वी हैव फ्यू मोर पैटर्न्स. तो यहाँ पे बच्चे को खुद से पैटर्न बनाना है. लाइक ये वाली वर्कशीट्स में पैटर्न ऑलरेडी बने थे, यहाँ पे बच्चे को सिर्फ ऑप्शन चूज करना था. बट इनके लिए बच्चे को अभी पैटर्न्स जो हैं वो यहाँ पे खुद लिखना पड़ेंगे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. ये भी पैटर्न की ही एक्टिविटी है बट चिया ने काफ़ी इन्जॉय किया था. तो अगर आप चाहें तो आप भी ये एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं. जैसे क्लैपिंग, स्नैपिंग एंड स्टॉम्पिंग के लिए है. तो जो भी पैटर्न बना है, जैसे दो बार बच्चे को क्लैप करना है, एक बार स्नैप करना है, देन दो बार क्लैप, एक बार स्नैप. तो फिर नीचे यहाँ पे क्या है कि बच्चे को खुद से पैटर्न बनाना है. रैंडमली बच्चा कोई भी पैटर्न जो है वो बना सकता है. आफ्टर दैट कुछ सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि इसमें से जो भी डिफरेंट होगा वो बच्चे को सॉर्ट करना है. स्मॉल, मीडियम और लार्ज की कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं.
तो बेसिकली इसमें पैटर्न्स और मेजरमेंट्स की बहुत सारी जो वर्कशीट्स हैं वो इंक्लूड की गई हैं, और बेसिक जो ग्राफ है उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी गई है, और ग्राफ की ही कुछ और वर्कशीट्स भी दी गई हैं। तो बेसिकली मैथ्स में यहाँ पे नंबर सेंस एंड न्यूमरेशन, लाइक बच्चे को नंबर की रिकग्निशन 1 से 20 तक दी गई है, देन कुछ मेजरमेंट्स की वर्कशीट्स दी गई हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्री की कुछ वर्कशीट्स हैं लाइक 2D शेप्स, 3D शेप्स, देन कुछ पैटर्न्स की एक्टिविटीज हैं, पैटर्न्स की बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं इसमें, और फिर उसके बाद कुछ सॉर्टिंग की एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे ग्राफिंग की भी इंट्रोडक्शन जो है वो दी गई है। तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और इसमें से आपको कुछ आइडियाज मिल गए हों कि आप अपने बच्चे को क्या करवा सकते हैं, लाइक अगर आपका बच्चा UKG में है तो उसे आपको क्या करवाना चाहिए, तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि UKG और किंडरगार्टन का जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे वो इंडिया का है कनाडा का है, तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।